गुजरात में कांग्रेस की एक ही टाली है 31-31। क्या कमाल का, कमाल ऑब्जर्वेशन, इतनी तेजी से बदलती हुई चीजों के बीच में पटेल किधर गए सर? पटेल तो बीजेपी के साथ पिछली बार भी रहे थे और इस बार भी रहने वाले, क्योंकि भूपेंद्र पटेल भी है, पुरुषोत्तम रूपाला बहुत बड़े, हम नरेंद्र मोदी का ही चेहरा देख, मतलब ये अनाउंस कर देना कि भूपेंद्र पटेल ही रहेंगे सीएम, इसका फायदा हुआ सर? मैं ये टैली के हिसाब से ये दिखा रहे हैं ना, कांग्रेस एम्प्लॉय का वोट है तो दिनेश आम आदमी पार्टी ने अपेक्षा जताई है, वो देखिए कितनी तेजी से चीजें बदल रही है। कांग्रेस 30 बीजेपी 140, कांग्रेस 30 बीजेपी 140, आम आदमी पार्टी 8 अदर्स 4। अभी कांग्रेस की जो टैली है वो हिमाचल से भी नीचे है। गुजरात में, गुजरात में मुसलमानों ने किसकी तरफ वोट किया, आप जरा ये देखना दिलचस्प है। गुजरात में मुसलमान किसकी तरफ गए, ये 9% वोट क्या मोनोलिथिक गया किसी की तरफ या स्कैटर हुआ, ये देखना इंपॉर्टेंट। ओबीसी ने किसे वोट दिया वो भी जरा देखिए, गुजरात में ओबीसी वोटर्स किस तरफ गए, वो सीटें जहां ओबीसी निर्णायक है वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ 34, कांग्रेस 14, आम आदमी पार्टी 1। एससी एसटी सीट्स जहां निर्णायक है एससी एसटी वोटर्स के तौर पर, वहां देखिए जरा एससी फैक्टर, भारतीय जनता पार्टी 11, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0, आदर्श 0, मतलब एससी एसटी कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जबकि दिल्ली के संदर्भ में ये तस्वीर आप जानते हैं कैसे है। भारतीय जनता पार्टी 18, ये देखिए आप एसटी फैक्टर, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 5 और अदर्स 2। अर्बन और रूरल के हिसाब से चीजें देखिए, अर्बन और रूरल, रूरल में कांग्रेस मजबूत मानी जाती थी, क्या वैसा है? भारतीय जनता पार्टी अर्बन, शहरी वोटर 60, कांग्रेस 13, आम आदमी पार्टी 0-0। शहरी सीटों की बात हम कर रहे हैं, 73 सीटें शहरी सीटें, और अब देखिए जरा 109 सीटें ग्रामीण वोटर, 109 सीटों पर निर्णायक, यहां भारतीय जनता पार्टी 79, कांग्रेस 18, आम आदमी पार्टी 8। यहां देखिए, यहां ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना, ग्रामीण वोटर ज्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ। सेंट्रल गुजरात में क्या हुआ, सेंट्रल गुजरात में 61, मध्य गुजरात में 48, भारतीय जनता पार्टी मजबूत किला, कांग्रेस 11, आम आदमी पार्टी 1, अदर्स 1। आम आदमी पार्टी यहां भी एंटर करने में कामयाब रही है। अब ये जरा मध्य गुजरात के बाद नॉर्थ गुजरात की तरफ आपको ले आते हैं। उत्तर गुजरात कांग्रेस ने पिछली बार बेहतर किया था, इस बार क्या हुआ, नहीं कर पाए बेहतर, भारतीय जनता पार्टी 21, कांग्रेस 9, आम आदमी पार्टी 1, अदर्स 1। आप जरा उत्तर गुजरात के बाद यहां भी देखिए, आम आदमी पार्टी पहुंच गई, उसने एंट्री तो मार ली। अब देखिए जरा सौराष्ट्र और कच्छ, भारतीय जनता पार्टी ने 43, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां 3 सीटें उन पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस 7, कांग्रेस को जबरदस्त डेंट इस जगह पर सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में। अब जरा दक्षिण गुजरात की तरफ भी आपको लिए चलते हैं, यहां भी आ जाइए, दक्षिण गुजरात में देखिए, भारतीय जनता पार्टी 27, कांग्रेस का गढ़ और किला माने जाने वाला वो इलाका 4 पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी यहां 3 पर। सारी तस्वीरें ये बता रही हैं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जबरदस्त डेंट दिया है। और अब देखिए जरा पहले चरण का चैंपियन, फेज 1 का चैंपियन कौन दिखाई दे रहा है, पहले चरण में जो सीटें 89 सीटें उसमें से 70 यहीं पर तय हो गया बहुत कुछ, और यहां पर लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतर किया, 6 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 11 पर, अदर्स 2 पर दिखाई दे रहे हैं। सेकंड फेज का चैंपियन कौन रहा वो भी जरा आपको दिखाते हैं, 93 सीटें उनमें किसने कैसा प्रदर्शन किया जरा वो भी देखिए। सेकंड फेज का चैंपियन अगेन भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है जब ऊपर 143 दिखाई दे रहा है तो नीचे ये 73 जस्टिफाइड है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से बीजेपी की नीलम नैयर आगे, बीजेपी की नीलम